दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब तो आँखें खोल ले पगले, दुनिया करे सलाम। यीशु बन अवतार लिया, दुखियों के दुख को धार लिया। यीशु बन अवतार लिया, दुखियों के दुख को धार लिया। पापों का संघार किया, फिर भी कहता तू छलिया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब तो आँखें खोल ले पगले, दुनिया करे सलाम। सतयुग में अवतार लिया, संतों के दुख को धार लिया। रावण का संहार किया, फिर भी कहता तू छलिया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब तो आँखें खोल ले पगले, दुनिया करे सलाम। द्वापर में अवतार लिया, गोपियों का उद्धार किया। कालिया का संहार किया, फिर भी कहता तू छलिया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब तो आँखें खोल ले पगले, दुनिया करे सलाम। कलयुग में अवतार लिया, भक्तों के दुख को धार लिया। कलयुग में अवतार लिया, भक्तों के दुख को धार लिया। पापों का संघार किया, फिर भी कहता तू छलिया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब तो आँखें खोल ले पगले, दुनिया करे सलाम। ना कोई रात है ना कोई दिन, यहाँ क्या ये अंधेरा है कि सिर्फ है धुआं। जो हो सकता है तारे हो।
दुश्मन है या दोस्त है, तू कैसे ये जानेगा। आंखें धोखा खाती है ये किसको पता नहीं, जाने क्या है यहाँ और जाने यहाँ क्या नहीं है ये हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम माधुरी के साथ, और दोस्तों माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन के डायमंड जुबली की। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम आपको श्रृंखला में फिर से मिलवा रहे हैं अपने उन सेलिब्रिटीज से जो हमारे फर्स्ट सेशन और सेकंड सीजन के हमारे मेहमान रहे हैं। सृजन की डायमंड जुबली यानी पहले 50 और 100 एपिसोड्स के पूरे होने पर ये हमारी विशेष प्रस्तुति है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई डिमांड पर। इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की आवाज़, उनके वही पसंदीदा गीत जो आपने कई बार सुने, जबकि हमारी कोशिश होती कि गानों के रिपीटिशन ना हो, पर वो इतने हाई डिमांड पर थे हमारे सेलिब्रिटीज़ के और इतने खूबसूरत थे कि उनको हम आपके लिए प्ले करते रहे। हमने आपको वो गीत भी सुनवाए जो हमारे सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कभी कभार ही आता या पहली बार ही हमारी नज़रों के सामने से गुजरता। वो गाना इतना खूबसूरत होता, मुझे लगता मुझे अपने दोस्तों को यानी आपको वो गीत ज़रूर सुनवाना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गज़ल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी गैर फिल्मी का कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से भी। और दोस्तों कैसा लग रहा है आपको सृजन, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन और रेडियो मानव रचना भी, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। जीवन के कितने मौकों पर सच से आंख चुराओगे, बिगड़ी तेरी बन जाएगी जब सच से नजर मिलाओगे। और दोस्तों प्रभु यीशु ने अपनी जान कुर्बान कर दी सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमारे लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, और फिर वो दोबारा से जी उठे और आज भी वो अमर हैं और दुनिया के दुखों को हर रहे हैं। उन्हें क्रूस पर चढ़ाने वाले ये भूल गए कि ये जमीन ये आसमान उनका ही तो है। तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शी। तेरी है जमीन तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियां। और दोस्तों हमारे बीच हमारे फर्स्ट सीजन में हमारे बेहद ही खास मेहमान आए ज्ञान सिंह मुसाफिर जी। उन्होंने अपनी सारी रचनाओं को प्रभु की कृपा की देन कहा। सच ही तो है कि जो कुछ भी होता है उस प्रभु की मर्जी से ही होता है। ज्ञान सिंह मुसाफिर जी से जो फरीदाबाद के जाने माने कवि हैं, साहित्यकार हैं और इनकी ज्यादातर रचनाएं देश प्रेम को समर्पित हैं, भक्ति पर आधारित हैं। स्वागत है मुसाफिर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, आप हमारे एक इसरार पर आप यहाँ आए और आपने हमारे स्टूडियोज को हमारे मानव रचना स्टेशन को टाइम दिया अपना। इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मानव रचना रेडियो पर मैं आकर अपनी सेवाएं प्रस्तुत करूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने श्रोताओं को मैं बता दूं कि आपकी पहली रचना पुष्पांजलि और दूसरी रचना दर्दे दिल आपकी पुस्तकें दो हैं, लेकिन आपकी रचनाएं दिल को छूती हैं और बहुत अच्छी आपकी रचनाएं हैं जिसने हमें मजबूर किया कि हम श्रोताओं को आपसे जरूर मिलवाएं। मुसाफिर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी पहली पुस्तक पुष्पांजलि के बारे में आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। पुष्पांजलि के संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा जी कि छात्रावस्था से ही यानी जब से मैंने होश संभाला राष्ट्र के प्रति मेरे मन में एक प्रेम का सैलाब उमड़ता रहा और जब मैंने महसूस किया कि मैं कुछ लिख सकता हूँ तो रचनाएं प्रारंभ की और बहुत कृपा कहूँगा प्रभु की कितनी अच्छी रचनाएं उनके आशीर्वाद से आप सबके आशीर्वाद से मैंने लिखी और पुष्पांजलि मेरी प्रथम कृति है राष्ट्र को समर्पित। इसमें सिर्फ राष्ट्रभक्ति गीत ही मैंने दिए थे और उसके बाद जो दूसरा अंक इसका आया इसमें पुष्पांजलि के साथ ज्ञानवाणी भी ऐड की गई जो आपने पढ़ी होगी उस बारे में ज्यादा मैं क्या कहूँ आप सब जानते हैं। मुसाफिर साहब आपने ये पुस्तक अपने पिताजी को समर्पित की है। जी मैं चाहूंगी कि आपने अपनी ये इतनी अनमोल धरोहर अपनी इस रचना को अपने पिता को समर्पित किया, आप अपने पिता के बारे में थोड़ा बताएं जिनको आपने अपनी इतनी अनमोल धरोहर को समर्पित किया। कहते हैं कि संस्कार परिवार से ही मिला करते हैं। जी, जी, जी। और मेरे पिता वैसे तो बेसिकली एक व्यवसायी थे कपड़े के, बहुत अच्छा व्यापार था उनका, लेकिन मुझे हमेशा शिक्षा दी उन्होंने कि देश के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए इंसान को, जहाँ तक हो देश सेवा में समर्पित रहे इंसान और किसी काम आ सके तो इसका सौभाग्य होता है। और वही संस्कार मेरे दिल दिमाग में ऐसे बसे कि आज तक वो कायम है और मैं उन पर चलने का प्रयास करता हूँ। पुष्पांजलि उनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए मुझे बड़ा फख्र हुआ कि मैं इतने अच्छे पिता की संतान हूँ और राष्ट्र के किसी काम आ सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मुसाफिर साहब आपके पिता के बारे में आपकी भावनाएं सुन के मुझे वो आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियां। और दोस्तों, सेकंड सीजन में हमारे पास हमारी बेहद ही खास मेहमान आई। ना सिर्फ आप खूबसूरत गजलें लिख रही हैं बल्कि प्रोफेशनल फील्ड में भी आप काफी सारा काम कर रही हैं। आइए सुनते हैं और मिलते हैं अमिता परशुराम को, करते हैं यादों को ताजा, सुनते हैं झलकियां। सृजन स्पेशल लेकर, स्पेशल इसलिए कि आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान है डॉक्टर अमिता परशुराम मीता जी और हमारे फहीम मस्को जी। मधुर जी, मेरे नाम आवाज है। आवाज के लिए तो शुक्रिया, लेकिन बताइए आप मेरे नाम में इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? नहीं नहीं, जो दिल के बहुत करीब होते हैं ना, ऐसा ही हुआ करता है। चलिए फिर से हम रूबरू होते हैं अपने मेहमान अमिता परशुराम उर्फ मीता से। आप पेशे से साइकोलॉजिस्ट हैं, इतनी सारी संस्थाओं के साथ आप जुड़कर आप टीचिंग भी कर रही हैं इस फील्ड में, आप वर्कशॉप्स भी लगाती हैं, थेरेपी भी करती हैं और आपकी बहुत सारी सीडीज भी आई हैं। कैसे मैनेज कर पाती हैं ये लाइफ को और इसके बारे में, इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रिया करती हूँ कि मैं इतना कुछ जो कर पाई हूँ उसके काबिल मुझे बनाया और ऐसे मुझे मौके दिए लाइफ में। और ये कहना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी ने ये सिखाया है और कुछ हद तक जो बचपन में मैं ऑब्जर्व करती थी अपने फादर को भी कि वो कैसे ज़िंदगी बिताते हैं, तो अपनी चॉइसेस कर पाना और अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक रखना ज़रूरी होता है क्योंकि घंटे वही 24 होते हैं। बिल्कुल। और उन 24 घंटों में हमारा जो इंतखाब है चीज़ों का, एक्टिविटीज़ का, क्या हम करना चाह रहे हैं, वो अगर अपने दिल के हिसाब से हो तो फिर सब हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं लाइफ में। तो अगर हम ये तय कर लें कि क्या मैं मजबूरी में कर रही हूँ और क्या मैं दिल से करना चाहती हूँ, और कुछ मजबूरी वाली चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो करनी भी पड़ती हैं लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम मजबूरी बनाते हैं, मतलब वो एक्चुअली होती नहीं है पर हम समझते हैं हैबिचुअली करते रहते हैं करते रहते हैं। तो उस तरह का कुछ मैंने प्रोसेस किया जिसमें मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ को देखा, सामने रखा, उनसे रूबरू होके कि इसमें क्या ठीक है क्या गलत है। सीडीज़ के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे दोस्तों को। अपनी एक्सरसाइज से ये वक्त निकाला कि मैं कुछ शायरी की तरफ जा पाऊँ और लिख पाऊँ। और ये सीडीज जो हैं, पहला सीडी जो आज तक ना कह सकी और इरशाद भी है आपका जो अभी रिसेंटली हमारा रिलीज हुआ है इरशाद, इनके पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये रही है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी कोई किताब है या नहीं है, तो मैं ये शेयर करती हूँ कि मुझे किताब छपवाने का शौक कभी नहीं रहा। अच्छा, आपने ये बीच का रास्ता निकाला किताब और हाँ, और उसकी वजह है, उसकी वजह है कि रास्ता है। मुझे लगता है कि म्यूजिक में जब एक गजल मौसीकी में ढल के आती है तो जिस तरह वो दिल को छूती है और जितने दिलों को छूती है, सच ठीक, बिल्कुल ठीक कहते हैं। कह लीजिए कि मुझे लोगों की जो एडमिरेशन है शायद उसका लालच है, मैं जल्दी से उनके दिल तक पहुंचना चाहती थी। दोस्तों, मैं भी ख्वाब देखने लगी हूँ कि मेरी भी गीतों की कभी सीडी आएगी इंशाल्लाह। गुजारिश करूंगी आप अपनी रचना एक हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जरूर, कुछ शेर पेश करती हूँ। स्वागत है। वफा करने से वो मजबूर हो जाए तो क्या कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। शायद काफी लोगों ने ये एहसास जरूर समझा होगा दिल से सुनकर। वफा करने से वो मजबूर हो जाए तो क्या कीजिए, मोहब्बत रूह का नासूर हो जाए तो क्या कीजिए। वाह वाह, शुक्रिया। उसे तो खुशबुओं का रहनुमा होना मयसर था। उसे तो खुशबुओं का रहनुमा होना मयसर था, वो अपनी जात में महसूर हो जाए तो क्या कीजिए। बहुत बढ़िया। खुदा को इतना चाहूं तो खुदा हो जाएगा राजी। वाह वाह वाह, क्या खुदा बात है? को इतना चाहूं तो खुदा हो जाएगा राजी, मगर वो और भी मगरूर हो जाए तो क्या कीजिए। वाह वाह, शुक्रिया, बहुत खूब बहुत खूब। और मीता जी, जो आप उस टाइम कह रही थी ना कि आप अपनी जिंदगी में कैसे कैसे मैनेज करती हैं, प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हैं, जी मुझे याद आ रहा था। अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा।
समझा मेरे ख्वाजा, सवारी हजार मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियां। और दोस्तों, हमारे पास हमारे बेहद ही खास मेहमान आए, अनिल बेताब जी। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आइए ना उनसे ही मिलते हैं और सुनते हैं, करते हैं यादों को ताजा, सुनते हैं झलकियां। सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से, कवि पत्रकार लेखक गजलकार और पत्रकार से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप अनिल बेताब जी। अनिल जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत 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 शुक्रिया। अनिल जी, आपने अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल और तस्नीम आरिफ, बेबी बारसी जैसे बड़े बड़े नाम हैं, उनके प्रोग्राम्स में आपने एंकरिंग की हुई है। जी जी, मैं गुजारिश करूंगी थोड़ा उसके बारे में बताएं अपने। देखिए, किसी भी समर्पित कलाकार के साथ कहीं भी काम करने का, मिलने का जो मौका मिलता है तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। जी जी, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही तजुर्बा रहा। जी, अनूप जलोटा जी का एक प्रोग्राम मैंने संचालन किया और उसके बाद साईं भजन संध्या अनुराधा पौडवाल जी के साथ उस प्रोग्राम का मैंने संचालन किया, तो उसके बाद मुझे प्रेरणा मिली। मैंने साईं बाबा की शान में काफी कुछ लिखा उस कार्यक्रम के बाद भी, उस कार्यक्रम के मिलने से, करने से पहले भी
कि मुझे ये कार्यक्रम का संचालन करना है तो उस तरह की प्रस्तुति होनी चाहिए, ताकि लोग भी जिस भाव के साथ आएं उस समर्पित भाव से जुड़े। संचालन के दौरान बहुत सी ऐसी रचनाएं मैंने प्रस्तुत की जिन्हें सराहा गया, और उसके बाद जो माहौल से जो मुझे प्रेरणा मिली उसके बाद मैंने साईं बाबा जी की शान में बहुत कुछ लिखा। मैं एक मुक्तक हाजिर करता हूं। आपको बता दूं, आप बहुत अच्छे एंकर हैं और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। गुजारिश करूंगी कि आप वो अपने साईं बाबा वाली एक रचना। जो माहौल से सीखने को मिला उसके बाद जो मैंने लिखा साईं बाबा की शान में, साईं बाबा ने पूरी दुनिया को, विश्व को, सब का मालिक एक है का संदेश दिया, इंसानियत और मोहब्बत की सीख दी। एक मुक्तक हाजिर करता हूँ कि साईं बाबा हूँ या अन्य कोई भी महापुरुष संत जो सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है समाज को। मैंने एक मुक्तक लिखा है कि वो सच्ची बात करते हैं, वफा का चाव रखते हैं, सच्चाई का अपना महत्व है, वो सच्ची बात करते हैं, वफा का चाव रखते हैं, उतारें पार सबको जो वो ऐसी नाव रखते हैं। क्या बात, वो सच्ची बात करते हैं, वफा का चाव रखते हैं, उतारें पार सबको जो वो ऐसी नाव रखते हैं, वो पाते हैं हकीकत में बड़ा रुतबा जहां में जो, धर्म के वास्ते दिल में सदा संभाव रखते हैं, सद्भाव रखते हैं। तो आज समाज को सद्भाव की जरूरत है, कैसी परिस्थितियां चल रही हैं, हमारे श्रोता भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ हैं, ऐसे में प्यार की, इंसानियत की, मोहब्बत की, सद्भाव की बड़ी जरूरत है। साईं बाबा के संदेश आज भी हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, चलना चाहिए। तस्वीर बनती है तेरे दरबार में, बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआए, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। बाबा शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। साईं देवा तेरे सब नाम लेवा, मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा, जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे, सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी, बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा, तेरी रहमत का किस्सा बयां अकबर करे क्या, दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन, सब फूल काटे तू सबका मालिक है।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर यानी के डायमंड जुबली सृजन की झलकियां। और दोस्तों हमारे यहाँ युवा कवि गीतकार आए जिन्होंने सृजन को सुनते हुए ये पूरी कोशिश की कि वो सृजन तक पहुँचे। आइए सुनते हैं। और दोस्तों ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर अपने मन में हम कुछ ठान लेते हैं तो खुदा हमारी मदद ज़रूर करता है। आइए मिलते हैं प्रभात कुमार भारद्वाज से, करते हैं यादों को ताज़ा, सुनते हैं झलकियाँ। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ युवा गीतकार कवि हैं प्रभात कुमार भारद्वाज जी। प्रभात जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माधुरी जी। प्रभात आपकी जल्दी ही कैसेट और सीडी लॉन्च होने जा रही है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है और आप भजन संगीत सम्राट विजेंद्र चौहान जी के साथ भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी और उसके पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात बताऊं, कुछ समय पहले मुझे ये बच्चा मिला, दिखा मुझे स्टूडियो में अपनी कविताएं रिकॉर्ड कराता हुआ और गंभीर साहब जो हमारे डायरेक्टर रेडियो मानव रचना है, शायर जज्बात हैं, उन्होंने मुझे कहा कि माधुरी आपको सृजन के लिए प्रभात कुमार को रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बात आई गई हो गई और काफ़ी दिनों बाद आज ही आए हैं स्टूडियो में और आज इन्होंने जो मुझे बताया है मैं सुनकर हैरान हूँ। वो उन्होंने मुझे बताया कि सृजन वो सुन रहे थे और उन्होंने दिल में उनके उसी दिन आ गया था कि मैं सृजन तक पहुँचूँगा। तो वो पूरी कहानी क्या है मैं तो खुद ही दिल थाम कर सुनना चाहती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है कि एक लिसनर जिन्होंने सृजन सुनते हुए सृजन तक पहुँचे हैं। वो प्रभात वो कहानी हमारे दोस्तों को साथ में ज़रूर बताइएगा। जी माधुरी जी। दोस्तों ऐसा हुआ कि काफ़ी समय से मैं माधुरी जी का शो सुन रहा था साहित्य सृजन और काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ साहित्य से और मैंने एक दिन रहबर साहब जी को सुन रहा था और मुझे लगा कि शायद मेरी जगह वहाँ है, शायद मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। काफ़ी कोशिशें करी मैंने यहाँ तक पहुँचने की और फिर जिसके ऊपर खुदा की मेहर होती है वो कैसे भी करके अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाता है। किसी तरह से लोगों ने इतना प्रोत्साहन दिया कि बात गंभीर साहब जी तक पहुंच गई और फिर मैं आज माधुरी जी के सामने निकल रहा हूं। मैं हैरान हूं दोस्तों और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अपनी इस खुशी को मैं कैसे आप लोगों के साथ किन शब्दों में शेयर करूं कि एक लिसनर से इतनी प्रेरणा मिली। वो लिख तो बहुत पहले से रहे थे लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने इतनी कोशिशें की। प्रभात आप मुझे पहले ही दिन बता देते शायद मैं आपको पहले ही सृजन में लेके आ गई होती क्योंकि आपकी रचनाएं बहुत खूबसूरत है। और आप बताइए आपके ऑडियो सीडीज के बारे में और संगीत सम्राट विजेंद्र चौहान जी के बारे में। अभी पूरे देश भर में एक कैसेट की बहुत धूम मची थी, राधे राधे वाले बरसाने वाली राधे जी, जी जी। उसके जिन म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो विजेंद्र चौहान जी हैं। अभी उनके साथ मेरा एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जिनके ऊपर मैं कुछ गीत उन्हें लिख के दे रहा हूँ और उसके बाद वो उस पर म्यूजिक सेट करने के बाद उसकी लॉन्चिंग होगी नेशनल पे। अभी मेरी एक पुस्तक भी आने की तैयारी है जिसकी लॉन्चिंग सोनू निगम जी करने वाले हैं। क्या बात है बहुत खूब। इसके लिए मुझे कई सामाजिक संस्थाओं ने काफ़ी सहयोग दिया है। मानव जनहित एकता परिषद ने कहा है कि आपकी रचनाएं सोनू निगम जी लॉन्च करने आएंगी, 10-10 कविताएं होंगी नवोदित कवियों की। क्या बात है। और एक ऑडियो कैसेट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है और जल्द ही वो कैसेट मार्केट में आप सभी को मिल जाएगी। बस लगे हुए हैं। बस प्रभात अब अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दो। जी जरूर। एक रचना है प्रेम रस में लिखी गई, तुम फूलों में हो तुम सावन में हो। तुम फूलों में हो तुम सावन में हो, तुम फूलों में हो तुम सावन में हो। मेरे दिल का बगीचा सारा ही खाली, नाचती मोरनी सी आंगन में हो। तुम फूलों में हो तुम सावन में हो। आज कान्हा गई हैं बरसाने राधे, आज कान्हा गए हैं बरसाने राधे। पता ये चला है वृंदावन में हो। तुम फूलों में हो तुम सावन में हो। और सुनिए स्वागत है। तुम धरा की हो देवी,
हो नभ की हवा, तुम धरा की हो देवी हो नभ की हवा, तुम समंदर में हो, हो, तुम समंदर में हो, आग पावन में हो, तुम फूलों में हो, तुम सावन में हो, क्यों ना आए ये दिल अब उसी चांद पर, क्यों ना आए ये दिल अब उसी चांद पर, वो चांद वो तारे, वो चांद वो तारे, वो चांद वो तारे जिसके दामन में हो, तुम फूलों में हो, तुम सावन में हो, तुम फूलों में हो, तुम सावन में हो, मेरे दिल का बगीचा सारा ही खाली नाचती। प्रभात जी, जो आप अभी बात कर रहे थे कि आपने अपने दिल में सोच लिया था कि आपने क्या क्या करना है और प्रभु ने आपका साथ दिया, मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम हमें ज्ञान
क्या मिला सच बोलकर, किसी को सूली, किसी को जहर का प्याला और किसी ने खाई गोली। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियां। और दोस्तों, हमारे बीच एक और हमारे बेहद ही खास मेहमान आए, सौरभ भारद्वाज जी। आइए सुनते हैं सौरभ भारद्वाज को, करते हैं यादों को ताजा, सुनते हैं झलकियां। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस कहानीकार, और अभी तो पता लगा कि आप एकांकी भी लिखते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सौरभ स्टूडियो में। सौरभ जी, अपने एकांकी के बारे में बताइए, कथा कहानी और किस्सा। माधुरी जी, ये प्रतीकात्मक एकांकी है। इसमें जो हमारे पात्र हैं वो भिन्न भिन्न रंगों से उनका नाम है उन पात्रों का, और ये पात्र प्रतिनिधित्व करते हैं समाज के विभिन्न वर्गों का। रंगों के माध्यम से हम लोगों ने अपनी बात कहने की कोशिश की है, संवादों के माध्यम से पात्रों ने अपनी बात कहने की कोशिश की है। लोगों को अच्छा लगा, जिसको अच्छा लगा उन्होंने इसे अकादमी में पुरस्कृत किया। सौरभ जी, आपकी ये दो रचनाएं अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुई, और आपकी एक बड़ी मशहूर रचना है, मैं गुजारिश करूंगी बापू की, आप हमारे दोस्तों को दें। माधुरी जी, जैसा कि आपको पता ही है जी, व्यंग कविताएं लिखता हूँ जी, बापू को लेकर। मतलब आपकी हर रचना में व्यंग तो घुसेगा ही। अब मेरी मूल प्रवृत्ति है, मैं क्या करूँ, व्यंगकार है। कहानी लिखेंगे दोस्तों तभी भी व्यंग करेंगे, कविता लिखेंगे तभी भी व्यंग करेंगे, और एकांकी लिखेंगे तभी भी व्यंग करेंगे, व्यंग तो करेंगे ही करेंगे। तो आपसे गुजारिश करूंगी रचना में। सत्य के पुजारी, अमन के देवता, ओ बापू, आज इस देश के लिए तुम सिर्फ एक ब्रांड हो, क्या बात, जो बेचा जाता है हर चुनाव से पूर्व तरह तरह की दुकानों पर। लूट ली गई है तुम्हारी खादी, लकुटिया और तुम्हारा नैतिकतावादी दर्शन। तुम्हारे आदर्शों पर चलने का ढोंग रचकर चुपचाप बैठे हैं तुम्हारे बंदर। न वे देखते हैं हर ओर बिखरा भ्रष्टाचार, न सुनते हैं भूख का कोलाहल, और न वे बोलते हैं सत्य की भाषा। माफ करना बापू, हम कृपण लोग नहीं चुका सकते तुम्हारे बलिदानों का दाम, क्या बात, सिर्फ कैश कर सकते हैं तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम और तुम्हारा राम। अच्छा है, अच्छा और तुम्हारा राम। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं बल्कि सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि डायमंड जुबली सृजन की झलकियां। दोस्तों, उपासना कहती हैं माधुरी जी, आप पर प्रभु की असीम कृपा हो, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। माधुरी जी, आपके भजन से प्रेरित होकर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। लिखती हैं, साईं इतना रहम करना, बच्चों पर अपने कर्म करना, ये विनती है मेरी इच्छा ना दमन करना, इच्छा है मनन करना। कोई अली आखे कोई वली आखे, कोई कहे दाता सच्चे माल का, मैनू समझ ना आवे की नाम देवां, इस गोल चक्की दियां चाल का। और दोस्तों, संदीप जी कहते हैं, नमस्कार जी, स्वागत है हम सबका सृजन में। शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया नरेंद्र विरदी जी, आप लोग हमारे स्टार लिसनर हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपकार सागर भारद्वाज जी, अमर फारूखाबादी जी, बुलचंदानी जी, एडी भट्ट जी, कमल कपूर जी, बहुत लंबी लिस्ट है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आप भी हमें बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके कि कैसा लग रहा है आपको सृजन, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन रेडियो मानव रचना। SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर, और आप भी
जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavrachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ। साईं वे साड़ी फरियाद तेरे ताई, साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बने लाई, साईं वे मेरे गुनाहां नू लुकाई, साईं वे हाजरा हजूर वे तू आई, साईं वे साड़ी फरियाद तेरे ताई, साईं वे बाहों फड़ बेड़ा बने लाई, साईं वे मेरे गुनाहां नू लुकाई, साईं वे हाजरा हजूर वे तू आई, साईं वे फेरा मस्कीना वल पाई, साईं वे बोल खाक सारा दे पुगाई, साईं वे हक विच फैसले सुनाई, साईं वे हौली हौली खामियां कटाई, साईं वे मैनू मेरे अंदरों मुकाई, साईं वे डिगिए ता फड़ के उठाई, साईं वे देखिया परोसे आजमाई, साईं वे औखे सौखे राह चो कढ़ाई, ओ साईं वे कला नू वी गोर चमकाई, साईं वे सुरा नू बिठा दे थां थाई, साईं वे ताल विच तुरना सिखाई, साईं वे साज रुस गए ता मनाई, साईं वे खेला नाल वाद वी रणाई, साईं वे अखरां दा मेल तू कराई, साईं वे कन्नी किसे गीत दी फणाई, साईं वे शब्दां दा साथ वी निभाई, साईं वे नगमे नू फड़ के जगाई, साईं वे शायरी च असर वसाई, साईं वे जज्बे दी वेल नू बधाई, साईं वे कुट कुट सब नू प्याई, साईं वे इश्के दा नशा वी चढ़ाई, साईं वे सैर तू ख्याला नू कराई, साईं वे तारियां दे देस लैके जाई, साईं वे सूफियां दे वांगरा नचाई, साईं वे असी सच बैठे चाई चाई, साईं वे थोड़ी बहुती अदा वी सिखाई, साईं वे मेरे नाल नाल तू भी गई, साईं वे लाज सरताज दी बचाई, साईं वे पुल्लियां नू उंगली फड़ाई, साईं वे अगे होके राह रोशनाई, साईं वे नेरियां च पल्ले ना छुड़ाई, साईं वे जिंदगी दे बोझ नू चुकाई, साईं वे फिकरां नू हवा च उड़ाई, साईं वे सारे लगे दाग भी तो आई, साईं वे सिले सिले नैणा नू सुकाई, साईं वे दिलां दे गुलाब महकाई, साईं वे बस पट्टी प्यार दी पढ़ाई, साईं वे पाक साफ रूहां नू मिलाई, साईं वे बच्चियां दे वांगू समझाई, साईं वे माड़े कमो कूर के हटाई, साईं वे खोटियां नू खरे च मिलाई, साईं वे लोहे नाल पार सुख साई, साईं वे मेर ताते मुल भी पुआई, ओ साईं वे माड़ियां दी मंडी ना विकाई, अकलां दे कड़े नू पराई, साईं वे गुंबद गरूर दे गिराई, साईं वे अग वांगू हौसले पखाई, साईं वे अंबरा तो सोच मंगवाई, साईं वे आपे आवाज मार के बुलाई, साईं वे हुण सानू कोल भी बिठाई, साईं वे अपने ही रंग च रंगाई, साईं मैं हर वेले करां साईं साईं, साईं वे तोते वांगू बोल वीर ताई, साईं वे आत्मा दा दीवा वी जगाई, साईं वे अनहद नाद तू बजाई, साईं रूहानी कोई तार छेड़ जाई, साईं वे सच्ची सरताजगी बनाई।